अच्छा बच्चे दिख रहा है? यस सर। बनाओ। बन गया बच्चे? बोलो बच्चे। बन गया बच्चे पहला। दादू ने पूछना ना रे किस्सा मिली है आया सीरा हाँ जारा मीर बन गया बच्चे। नहीं फोन किता हूँ ना
किसी को पूछना है बच्चे ये सवाल? यस सर बता। ये देखो बच्चे, फाइव डैश एक्स क्या होगा? आएगा बच्चे, ये आएगा ऑटो उड़ दो ना। मैनू लगा वही आया, नहीं नहीं बंदे नु देखा मैं, अगे मोटरसाइकिल आए तेरे उत्थ फोन किया उन्हें, बंटी ने फोन किया। सिंस फाइव डबल डैश एक्स लेस देन जीरो देयरफॉर फाइव डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। हां उठे खोल जाके कल्ला उठे ये डिक्रीजिंग। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बच्चे। बड़ा चूचा नीचे से लड़ते पे देखियो, वो खलता वो थोड़ा खुंगे मारते छाला मार के नू। पर सेकंड स्टेप में प्लस कैसे है? माइनस एक्स, वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस नहीं हो जाएगा बच्चे। आए? होगा कि नहीं? यस सर। अब देखो फाइव डबल डैश एक्स लेस देन जीरो एट फाइव डैश एक्स डिक्रीजिंग हो गया बच्चे। बोलो यस सर। अब देखो जब पता चल जाए डिक्रीजिंग है कोई फंक्शन तो उस फंक्शन को देखो कहां पे जीरो है, फाइव डैश एक्स जीरो कहां पे है वो निकालना है। फाइव डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वन माइनस एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू हाफ, एक्स इज इक्वल टू हाफ पे जीरो है। केस वन देखो, डोमेन है जीरो से वन, केस वन है ना, ये बीच का पॉइंट हो गया। एक्स जीरो से लेकर के हाफ तक लेते हैं, है ना, एक्स जीरो से हाफ तक लेते हैं। तो एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ है तो फाइव डैश एक्स डिक्रीजिंग है, तो फाइव डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव डैश हाफ होगा कि नहीं बच्चे? बोलो 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 बच्चे। नहीं बोलेगा? अब फाइव डैश हाफ क्या है? जीरो है ना। देखो फाइव डैश हाफ क्या है? एफ डैश हाफ माइनस एफ डैश हाफ, यानी फाइव डैश हाफ क्या हो गया? जीरो। तो फाइव डैश एक्स क्या आ गया बच्चे? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर फाइव एक्स इज इनक्रीजिंग। ये बात क्लियर हुआ? फाइव एक्स इंक्रीजिंग हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं, केस टू। केस टू क्या होगा बच्चे? केस टू, केस टू में हाफ लेस देन एक्स लेस देन वन, तो हाफ लेस देन एक्स है तो फाइव डैश एक्स फाइव डैश हाफ ग्रेटर देन फाइव डैश एक्स हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो साइन पलट जाएगा, यानी फाइव डैश एक्स लेस देन जीरो, फाइव डैश हाफ जीरो होता है, देयरफॉर फाइव एक्स इज डिक्रीज। क्या दिखा? फाइव एक्स जो है हाफ से वन में डिक्रीजिंग है और फाइव एक्स जो है जीरो से हाफ में इंक्रीजिंग है। क्लियर क्लियर समझ में आया बच्चे?
बोलो। यस सर। मिटा दूं बच्चे? यस सर। हैं? मिटा दूं बच्चे? यस सर। सिस्ट्री भावनी, संडे को टेस्ट है बच्चे, कौन चैप्टर लास्ट टेस्ट हुआ था? फंक्शंस हुआ था। तो इस बार एलसीडी दे देते हैं बच्चे। ठीक है। तो टफ टेस्ट दें या आसान दें, जैसा बताएगा दे देंगे। बच्चे नहीं बोलेगा, गुस्सा है। कौन से चैप्टर बताया सर? लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी पूरा। ओके सर। टफ या आसान? ठीक ठीक सर। मीडियम सर, मीडियम। मीडियम दे दें। ठीक ठीक है, मीडियम में दे देंगे। तब कहता तो प्राइमे के साथ ले लेते, एक के बाद एक जैसा टेस्ट पेपर हो जाता, दो को हमको नहीं सेट करना पड़ता। कहो कैसा दे दें, फिर से एक बार सोच। प्राइम वाला दे दें? जो आपकी मर्जी सर। जे आपनो मर्जी। बन जाएगा। सेम सवाल है बच्चे, ब्लर हो गया क्या रे? Yes। अब ठीक है। ब्लर से ही बचने के लिए फोकस टेढ़ा किए हो। ठीक हुआ ना? अभी भी नहीं।
ठीक है बच्चे? यस। सेम सवाल है, सेम। सेम सवाल है बच्चे, बन जाएगा? फंक्शन और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूरा दे देते।
बच्चे बन गया कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर, ये वाला दोबारा बता दो, पिछला वाला ठीक से पता नहीं चला था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए तो दूसरे बार भी यही दे दिए। मियां जरा देखना, जीएक्स क्या है? 2f(x/2 - 2-x) ठीक है ना बच्चे? तो जी डैश एक्स क्या होगा? 2f(x/2) - 1+f(2-x) - 1। समझ गया ना? हाफ है तो एक्स, हाफ एक्स है तो हाफ हो गया, और माइनस एक्स है तो माइनस हो गया। क्लियर हुआ? नहीं समझा क्या बच्चे? समझे सर। अब देखो जी डबल डैश एक्स क्या है? हाफ एफ डबल डैश एक्स बाय टू प्लस एफ डबल डैश एक्स 2-x। ये आया ना बच्चे? बोलो डिफरेंशिएट हो। यस सर। अब देखो सिंस एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, देयरफॉर जी डबल डैश एक्स लेस देन जीरो होगा, क्योंकि ये भी जीरो से छोटा, ये भी जीरो से छोटा, तो सम भी जीरो से छोटा। समझ गए ना? सिंस जी डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, देयरफॉर जी जी डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। ये बात क्लियर हुआ? बोलो बच्चे। यस सर। अब जो डिक्रीजिंग आता है उसको हम जीरो चेक करते हैं। जी डैश एक्स जीरो कहां पे? जहां पे कि एफ डैश एक्स बाय टू माइनस एफ ऑफ टू माइनस एक्स जीरो होगा, यानी जहां पे एफ डैश एक्स बाय टू एफ डैश 2-x के बराबर होगा, जहां पे एक्स बाय टू 2-x के बराबर होगा, जहां पे कि एक्स 4/3 के बराबर, यानी जी डैश 4/3 क्या हो गया? देयरफॉर जी डैश 4/3 क्या हो गया बच्चे? जीरो आ गया। 4/3 कैसे भाई? ये 3x/2 4/3। ठीक ठीक है ना बच्चे? सर f डबल डैश x जीरो से छोटा क्यों हुआ? यहाँ दिया हुआ है बच्चे, क्वेश्चन भी कभी पढ़ लो। क्वेश्चन नहीं पढ़ता है? सर f का बोल रहा है, g का बोल रहा है, g कैसे छोटा हो?
बोलो बच्चे, हो गया सर। टेस्ट में सेट कर दिए फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, फंक्शन और एलसीडी पूरा। तो क्या है फंक्शन? 40% 60% एलसीडी। ओके सर। नहीं तो फंक्शन भुला जाएगा ना बच्चा, अभी तो फंक्शन का डिस्कशन भी चल रहा है ना। अखरोटा तुम आते हो क्लास? यस सर। सुबह वाली? दो तीन से मिस की है। अच्छा अच्छा, तुम मिस भी बहुत करते हो है ना सर? स्कूल होता है सुबह का टाइम, क्लास हो जाता है हर वक्त। सबका स्कूल होता है, सब लोग जूम खोल करके छोड़ देता है दूसरा जगह, लेकिन वहां पे भी समझाते हैं ना। वो ज्यादा बढ़िया समझा देता है सर। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स सर, को करिकुलर सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस सर, वो कौन कराएगा सर? उसमें तो कोडिंग ही है सर, वो तो करना पड़ेगा स्कूल से। हर दिन कंप्यूटर पढ़ाता है? यस सर। तब तो ठीक है। कब पढ़ाता है, कितने बजे? सर 8:30 से। 8:30 से पढ़ाता है, सही है भाई, वो भी समय देख करके ही पढ़ाता है। नहीं बच्चे, यहाँ तक लिख लिया? जी सर। ये सर, अब जब ये पॉइंट मिलता है ना, तो इस बाउंड्री को दो भाग में बांट देते हैं, इसको मिटा के, ठीक है बच्चे। एक भाग हो गया 0 x 4/3 केस वन, ठीक है बच्चे। तो देखो कौन डिक्रीजिंग है, g'x0 है, g'x डिक्रीजिंग, तो g'x > g'4/3 हो जाएगा। बोलो डिक्रीजिंग है, साइन का इनइक्वालिटी पलट जाएगा जब g लगाएंगे, g'x लगाएंगे, दोनों साइड g' लगाएंगे तो पलटेगा ना बच्चे, है? देयरफॉर gx इज तो gx इंक्रीजिंग किस रीजन में है, इस रीजन। समझ आया बच्चे? अखरोटा बोलो, फोर बाय थ्री टू इस केस में, g'4/3 > g'x, therefore g'x < 0 का g'4/3 जीरो है, therefore gx is decreasing in 4/3 से। समझ गए बच्चे? सेम सवाल था ना। रक्षित त्राठा? हाँ जी सर। सेम सवाल था ना बच्चे? यस सर, वो पिछले वाले में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो उसकी वजह से। इस बार समझ गया ना? हाँ सर, अभी ठीक। नहीं समझा तो एक बार और ऐसा ही सवाल दे देंगे, पक्का समझा के छोड़ना। दे दें? यस सर, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी छपाई कर लो। अच्छा तुमको फंक्शन उधर डिस्कशन में कुछ फायदा हो रहा है, ऐसे ही बैठ के टाइम पास हो रहा है? नहीं नहीं सर, फायदा हो रहा है सर। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हां, टेस्ट इस बार थोड़ा तुम लोग को मॉडरेट ले लिया, एकदम जी मेंस लेवल ले लिया है ना। फंक्शन एलसीडी टेस्ट में देखो, नंबर नहीं आए मसला नहीं है, लेकिन वो तुमको एहसास कराएगा तुम में कमी है, अच्छा है बुरा है, बात समझ रहे हो? नंबर लाख का करेगा, नंबर नहीं। देखो जो वैभव टॉपर था ना, जो पिछले साल का, ठीक है, उसको 100 में 24 नंबर आता था, 25 नंबर आता था, 30 कभी पार नहीं किया। टेस्ट मेरा ऐसा रहता है, इस बार टेस्ट हम थोड़ा सा दिए हैं, अच्छा मतलब
कि फंक्शन का रिपीट होगा, फंक्शन का थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दिए और फंक्शन का तुम लोग का डिस्कशन भी चल रहा है रविवार तक, रविवार को है ना टेस्ट? यस सर, संडे को है। संडे तक तुमको एक सप्ताह मिल जाएगा, इसी बहाने बना लोगे, कम से कम फंक्शन बना लोगे तो 40% क्वेश्चन फंक्शन का है, 60% LCD का। फंक्शन और LCD तेरा रविवार तक डिस्कशन हो जाएगा यहाँ क्या, तो फिर क्वेश्चन खराब क्यों देंगे बताओ? सही बात है सर। कहे कि रिवीजन भी तो हो रहा है बगल में। हाँ जी सर। चलो इसको मिटा दें बच्चे, मिटा दीजिए सर। सेम सवाल देते हैं, कोशिश करना ना इसको इस बार बनाने का। समझा, कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है खोजो तो बच्चे। बन गया बच्चे? बना रहे सर। 2 मिनट सर।
सर डन बन गया बच्चे यस सर बन गया सर रीजन बताओगे रीजन बताओगे सर डिक्रीजिंग है माइनस टू से जीरो में और इंक्रीजिंग है जीरो से टू में नहीं गलत है इंक्रीजिंग का आया माइनस टू से जीरो यूनियन टू से इंफिनिटी बिल्कुल सही यस सर यही है देखते हैं बच्चे तेरा था तेरा बना रीजन गलत आ रहा है कोई बात नहीं देखो बच्चे जी डैश एक्स है एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स ठीक है माइनस टू एक्स इंटू एफ डैश इंटू सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है बच्चे बोलो यस सर और बाय टू भी है ना यहाँ जरा देखो जी डबल डैश एक्स होगा टू इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई प्लस टू एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स ठीक है बच्चे माइनस टू इंटू प्लस एक्स को किए ना माइनस टू होगा सही है ना कहीं गड़बड़ तो नहीं है बच्चे चल देखते हैं माइनस टू इंटू एफ डैश सिक्स माइनस यहाँ एक मिनट ये वाला डिफरेंशिएशन सही है बच्चे की हर बार में कर बार तो नहीं माइनस एक बार देख टू है जी डैश एक्स टू इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू खतरा नहीं ले रहे प्लस एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सिक्स माइनस खतरा नहीं लिए अब देखो बच्चे ये क्या हो गया टू इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू ठीक है बच्चे और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स और यहाँ देखो माइनस टू एक्स एफ डैश सिक्स माइनस वही आया क्या आया ना बच्चे टू एक्स कॉमन ले लो एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एफ डैश सिक्स माइनस ये हुआ ना बच्चे रचित त्याठा यस यही है जी डबल डैश एक्स क्या हो गया सर ए हो गया टू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा प्लस टू एक्स यहाँ देख इसका डिफरेंशिएशन x इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू और ये प्लस टू एक्स इंटू एफ डबल डैश सिक्स माइनस एक्स यहाँ तक ठीक है बच्चे दिख रहा है ना दिख रहा है ना बच्चे हाँ जी सर लिखो
बन गया रक्षित राठा। हाँ जी सर। ओ दद्दा एक गड़बड़ी कर दिया रे बाबा, जानते हो क्या? हमको पूछ क्या रहा है जिया की मोनो, नहीं उल्टा चल दो, गड़बड़ कर दिया। इतना लफड़ा करने से बेहतर है आसानी से कर लेंगे। इसको मिटा दे रक्षित राठा, डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट, लेकिन अभी नहीं, अलग तरीके से इसको सिखाते हैं। ये लंबा हो जाएगा बहुत डिफरेंशिएट। रक्षित राठा एक चीज बताओ, इस दोनों को बराबर करो, एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर, कर दिया? कर दिया। किस जगह पे बराबर होगा? थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है ना? यस सर। तो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी का बीच में तीन रीजन बना, माइनस टू और टू प्लस माइनस, ये हैं तीन रीजन बना ना बच्चे? हाँ सर बन गया। हाँ तीन रीजन बना, ध्यान रख। अब देखो, हाँ देखो, लेकिन इधर से करने से फायदा होगा। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, सिंस एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आछे तो बोलो यस सर, यस सर, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग है? Yes, sir. अब देखो बच्चे, ये देखो जी डैश एक्स निकालो, जी डैश एक्स ये क्या हो गया टू एक्स बच्चे, एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई माइनस टू एक्स एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो। यस सर, यस सर। तो ये क्या हो गया टू एक्स कॉमन, एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया ना बच्चे? हो गया सर, हो गया। पहला रीजन क्या है? ये पहला रीजन एक्स लेस देन माइनस टू है ना? यस सर। x less than minus 2 है तो f dash, तो देखो x less than minus 2 है तो इस रीजन में क्या हो जाएगा? x square by 2, x square less than 4 होगा, बोलो बोलो, होगा सर। एक्स स्क्वायर बाय टू क्या होगा? टू से छोटा होगा, एक्स स्क्वायर है टू से छोटा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू से बड़ा, यस सर। तो सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर बारह होगा, फोर से होगा। तो एक चीज बताओ, फॉर ऑल एक्स लेस देन माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय टू छोटा होगा कि नहीं सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर? सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर चार से बड़ा है और एक्स स्क्वायर बाय टू टू से छोटा है, तो सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया, बड़ा हुआ yes, sir.
यस सर. तो एफ डैश एक्स स्क्वायर बाय टू, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, छोटा होगा एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर से. यस सर. तो एफ डैश एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होगा. होगा. अब देखो ये पोर्शन दिख रहा है लेस देन जीरो आ गया. यस सर. और एक्स लेस देन जीरो है क्योंकि माइनस टू से छोटा है, तो दोनों मिलके क्या हो गया पॉजिटिव. हाँ. therefore g dash x greater than 0, therefore g x is increasing. ये किस केस में हुआ? x less than minus 2. क्लियर हुआ? इतना लिख लो. x less than minus 2 में g x क्या आ गया बच्चे? increasing. increasing. चलो लिखो. सर जी डैश जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो वैसे है. कैसे हुआ? ये फैक्टर देखो निगेटिव दिख रहा है ये फैक्टर. यस यहाँ से यहाँ से. और एक्स क्या है? लेस देन माइनस टू. ये भी निगेटिव है. दोनों निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव. पकड़ लिया? यस सर. लिखो. मिटा दूं रक्षित राठा? एक मिनट सर. जय भवानी. मिटा दो सर. अब देखो बच्चे, अब दूसरे रीजन की बात करते हैं. कौन सा रीजन? माइनस टू से टू का बीच का. ठीक है ना बच्चे? देखो तीन रीजन था ना, माइनस टू टू, इधर इंक्रीजिंग आ गया ना. अब देखो जब x माइनस टू से टू के बीच में है बच्चे, तो x स्क्वायर क्या होगा? होगा बच्चे बोलो. होगा सर. x स्क्वायर बाय टू क्या होगा बच्चे? एक्स स्क्वायर बाय टू है टू से छोटा, सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो है टू से बड़ा. तो यहां से क्या दिखा? एक्स स्क्वायर बाय टू छोटा है सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर से. तो एफ डैश एक्स स्क्वायर बाय टू ये भी छोटा होगा एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर से, यानी
एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर छोटा होगा जी। ये लिख लिया बच्चे? बोलो बच्चे, लिख रहे हैं सर। लिख लिया बच्चे? यस सर। मिटा दू? मिटा दो सर। अब एक चीज बताओ बच्चे, यहां से बताना कि ये फैक्टर निगेटिव है और एक्स है, लेकिन एक्स की डोमेन क्या है? एक्स एक बार जीरो से छोटा माइनस टू से बड़ा और एक बार जीरो से बड़ा टू से छोटा, दो पार्ट में तोड़ लो। जब एक्स निगेटिव है तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा? तो फॉर एक्स माइनस टू से जीरो, जी डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चे? ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर जी एक्स इज डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ? बोलो, ये भी फैक्टर निगेटिव और एक्स भी निगेटिव, क्लियर हुआ? इंक्रीजिंग बच्चे, क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो इसको लिख लिया होगा, अब देखो फॉर x belongs to 0 से 2 है ना, g dash x less than 0, कैसे बच्चा? ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, g dash x less than 0, therefore gx is decreasing। क्लियर हुआ बच्चे? बोलो। हो गया सर। यस। लिखो लिखो लिखो, एकदम आसान सवाल था। लिख लिया बच्चे?
मिटा दूं? मिटा दूं? यस सर मिटा। तो बच्चे अभी कहां तक ये इंक्रीजिंग आया, माइनस टू से जीरो तक और उधर माइनस इंफिनिटी से माइनस टू तक आया ना, यानी अभी तक आ गया यहां से देखो यहां तक माइनस टू और टू यहां जीरो, यहां से यहां तक ये इंक्रीजिंग है, दिखा ना ये है, और इधर अभी अभी आया है डिक्रीज। बच्चे देखो टू छोटा है एक्स से, तो फोर क्या हो गया बच्चे, छोटा होगा एक्स स्क्वायर से, तो टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू से छोटा हो, और माइनस एक्स स्क्वायर जो है, या देखो एक्स स्क्वायर जो है फोर से बड़ा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर से छोटा, तो सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू से छोटा। तो देखो इस बार टू से बड़ा ये सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर छोटा है एक्स स्क्वायर बाई टू से। क्लियर हुआ बच्चे ये कहानी? बोलो बोलो बच्चे। सर नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया, हो गया सर। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो यहां देखो एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स लेस देन एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू, एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, होगा बच्चे? बोलो। होगा सर। यस सर। हाँ ये ग्रेटर देन जीरो है और ये भी ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर जी एक्स इज इंक्रीजिंग। क्लियर? तो यहां पे डिक्रीजिंग और इधर इंक्रीज। क्लियर हुआ कि नहीं? एक्स ग्रेटर देन टू में इंक्रीजिंग, एक्स लेस देन जीरो में इंक्रीजिंग और जीरो से टू में डिक्रीजिंग। रक्षित राठा? हाँ जी सर। क्लियर हो गया? यस सर।
हो गया सर, मिटा दूं? यस। एक सवाल और बनाएगा, चौवन पे आ गया आता, देखो 54 पे आ गया, 54। सब लोग पहले ही छुट्टी ले लेता, यहाँ मास्टर को पूछता ही नहीं है सर जा रहे हैं आप ने? सर ये सब लोग अपनी मर्जी के मालिक है, राजा आदमी है, राजा अपने मर्जी का मालिक कौन होता है, राजा जी है कि नहीं? यस सर, नरेंद्र मोदी है ये, मोदी है, मोदी क्या है क्वेश्चन क्या सर है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इनवर्टिबल, इज इनवर्टिबल। ठीक है ना बच्चे? बन जाएगा रक्षित त्राठा, ट्राई करना पड़ेगा। आरोजा खातून, अरिबा रफीक, अक्समिया तुम आजकल दिखता नहीं है, इधर ही हूँ सर, सुबह में नहीं दिखा था सर, आ जाऊँ कल से आ रहा हूँ। कल कोई खास बात है क्या? नहीं नहीं सर, पेपर खत्म हो गए ना। पेपर कब तक है? खत्म हो गए। तो आज रविवार को भी लिया? नहीं नहीं, आज तो मंडे है, आज भी तो नहीं दिखा था। अच्छा आज मंडे है। हाँ। कल से नहीं है तुम लोग को कोई लफ्ज़? नहीं सर, कल से आ रहा हूँ, कल नहीं है पेपर। अच्छा। आज साथ में वो क्लास, उसकी दारू क्लास थी ना फंक्शन की। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने वो क्लास, स्कूल की क्लास अटेंड कर ली फिर। डाउट क्लास अटेंड करी था? नहीं सर, आज नहीं की, कल से, कल से करूंगा।
बच्चा इन्वर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए एफएक्स को, मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए एफएक्स को। इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब कर लेगा, बन गया सर। आंसर बता दो सर। आंसर तो याद नहीं है भैया, बनाना पड़ेगा। देखो बच्चे, जिससे नहीं बना वो देखो। एफ डैश एक्स आया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ए, और इसको जीरो से बड़ा होने के लिए डी को लेस देन जीरो होना है, यानी फोर इंटू ए प्लस टू होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री ए लेस देन जीरो होना चाहिए। यानी समझ गया ना बच्चे, ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर माइनस नाइन ए लेस देन ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर लेस देन जीरो, ए माइनस वन इंटू ए माइनस फोर लेस देन जीरो, वन से फोर ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, वन से फोर। समझ गया, इजी था ना बच्चे? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। लिख लिया बच्चे? यस सर। और लिखना है? सर क्या करें, लीव कर दें? लेट क्यों करना है? मेरा दूसरा क्लास है।